नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जनता संबोधन। जी हां, एक बार फिर उन्होंने जनता के साथ संबोधन किया और बताया कुछ ऐसी चीज़ें जिसका जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें कि क्या क्या कहा है भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर। 9 दिन का लॉकडाउन, उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। 130 करोड़ देशवासी एक साथ एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। सभी का, उन्होंने बोला कि सभी ने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इस कोरोना की लड़ाई में। सब एक साथ कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से एक अपील भी करी है कि 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए सभी अपने घर की जो लाइटें हैं उसको बंद कर दें। लाइटों को बंद करके क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, गौर से सुनिएगा कि क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की सारी लाइटों को बंद करके, अगर आपके पास फ़ोन है तो अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करें, अपने घर में अगर कोई दिया है तो उसको जलाएं, कोई टॉर्च है उसको जलाएं, गली मोहल्ले में हर जगह पूरा अंधकार कर दें और जो बालकनी है जो घर से बाहर उस पर जाकर आप या तो फ्लैश की लाइट ऑन करें या दिया जलाएं या दिया रखें। जो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं सेवा कर रहे हैं, ये उनके मनोबल को बढ़ाएगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने पूरे 130 करोड़ देशवासियों से ये अपील करी है कि 5 अप्रैल को अपने घरों से बाहर दिया जलाएं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। उन्होंने बोला कि सभी अपने घरों से बाहर दिया जलाएं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं। इकट्ठा नहीं होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ध्यान रखना है। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि जिन लोगों को, जो गरीब हैं हमारे देश के, गरीब लोगों के जो जीवन में कोरोना की वजह से जो अंधकार आया है, उनके जीवन में हमें उजाला लाना है, सबको साथ मिलकर इसका परिचय देना है, सबको साथ रहना है। इसके साथ ही उन्होंने बोला सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि सभी एक साथ बाहर निकल जाएं और जो गैदरिंग अभी तक रुकी हुई है वो गैदरिंग करने लगे। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी जो देश का हाल है कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों का, वो 2000 का आंकड़ा पार कर चुका है भारत। इसके साथ ही बाकी जो देश हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं, वहाँ का हाल आप सभी जानते हैं। इटली हो, ईरान हो, स्पेन हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, वहाँ का हाल आप सब अच्छे से जानते हैं। और ये कोरोना का जो संक्रमण अचानक से जो बढ़ा है, 2000 का जो आंकड़ा पार किया है, वो तबलीगी जमात के मरकज से निकलने वाले लोगों के बाद ये जो आंकड़ा है वो 2000 के पार पहुंच चुका है एकदम से। और साथ ही मरने वालों की जो संख्या है वो 50 हो चुकी है। मरने वालों की संख्या 50 हो चुकी है। और जो, चलिए एक बार फिर मैं आपको मुख्य बिंदु बता दूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि देश की जनता का आभार, सभी एक साथ इकट्ठा होकर कोरोना से लड़ाई में अपना साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि गरीबों के जीवन में जो अंधकार है उसमें हमें उजाला लाना है, सबको साथ कोरोना की लड़ाई से लड़ना है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सब इकट्ठा हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग पर उन्होंने खासा फोकस किया और बोला लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखना है। इसके साथ ही उन्होंने 130 करोड़ देशवासियों से अपील करी है, विनम्र निवेदन किया है उन्होंने कि 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की सभी लाइटें बंद कर दें। अगर आपके पास फ़ोन मौजूद है, फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करें, दिया है दिया जलाएं, टॉर्च है टॉर्च जलाएं, कैंडल, अगर मोमबत्ती है तो मोमबत्ती जलाएं, जिसके पास जो चीज़ है, जो जिस चीज़ में सक्षम है वो ये जलाएं, ताकि जो लोग हमारी सेवा, हमारी सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं प्रतिदिन लगातार नॉन स्टॉप 24 घंटे, उनका मनोबल बढ़े, उनके लिए हमें ये करना है। इसके साथ ही अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने थालियाँ भजवा दी, अब वो घरों की लाइट बंद करके दिया जलवा रहे हैं। तो आप सबने रामायण तो देखी ही होगी और भगवान श्री राम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे, जो कि बहुत बड़ी एक बात थी उस टाइम पर कि वो 14 वर्ष का वनवास बहुत बड़ा समय होता है, कुछ इसी तरीके से जो अभी हम कोरोना से जूझ रहे हैं उसको हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा देश इसकी महामारी से जूझ रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भी हमारे लिए कुछ इसी तरह का है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिए जलवाए हैं, जिसमें काफ़ी लोग कमियां भी निकालेंगे कि ये दिए जलवा रहे हैं, कभी थाली भजवा रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे,
तो सभी देशवासियों ने एक होकर अपने अपने घरों में दिए जलाए थे, जिसके पास जो था उसने वो जलाया, जिससे कि क्या हुआ, जो अंधकार था उस पर रोशनी आई। रोशनी जो है वो हमारे यहाँ का, हमारी जो संस्कृति है उसमें रोशनी जो है वो प्रतीक है विजय का, सच का। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील कर रहे हैं, जनता से बोल रहे हैं कि कृपया 9 बजे रात्रि सभी इस काम को करें और इसमें भी अपनी एक साथ अपनी एकता दिखाएं, जिससे कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं ये हम सब जानते हैं और हर कोई एक साथ है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ध्यान रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश में कोरोना की जो संख्या है वो 2000 के पार हो चुकी है आंकड़ा, साथ ही मरने वालों की संख्या 50 हो चुकी है। तो हम सबको मिलकर इस लड़ाई में एक साथ आना है। एक साथ आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर से निकल जाएं और आपस में हम मिलने लगे। सोशल गैदरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अपील, किए गए निवेदन में आप सभी उनका साथ देंगे और सभी इस कार्य को 9 मिनट तक अच्छी तरह से, जैसे जनता कर्फ्यू वो सबने अपना मत दिया था और बहुत अच्छे से सक्सेसफुल बनाया था, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने साथ में इकट्ठा होकर बहुत बड़ी गलती की थी, जो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि लोग नहीं करेंगे। आप देखते रहिए लोग बात, मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह, धन्यवाद।